गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर किरण गर्ग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप। तो जो विविध रूप है, जैसे बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, तो ये हिंदी भाषा के जो विविध रूपों में इन, जैसे क्या बोली से धीरे धीरे ये मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भाषा होता क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम जानते हैं। तो इस तरह भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और फिर है हिंदी भाषा। जैसे हमारे भारत देश की हिंदी भाषा है, ठीक है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हिंदी भाषा भारत के बहुत बड़े एक क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। भारत के उत्तर भारत में 10 राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा जो है भारत के बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। इसके साथ साथ भारत के अतिरिक्त कुछ अन्य देश भी है जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हिंदी के विविध रूपों के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है जैसे बोली। बोली क्या होता है? बोली जैसे बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हम देखते हैं अक्सर कि एक क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है, और उसके हम 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आगे जाएंगे तो बोली में चेंज आएगा, मतलब उसी बोली वही होएगी, उसमें कुछ शब्दों का चेंज आ जाएगा। और फिर हम आगे 5 किलोमीटर दूरी से आगे जाकर देखेंगे तो वहाँ के लोगों का जो बोलने चालने का ढंग है उसमें फिर थोड़ा चेंज आएगा। इस तरह जैसे कहने में आ जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले बानी। जैसे हिंदी में कहा जाता है कि जैसे थोड़े थोड़े जगह के डिस्टेंस पे पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, इसी तरह कुछ किलोमीटर की दूरी पर हमारी भाषा में, बोली में भी अंतर आ जाता है। तो बोली क्या होती है? बोली सबसे पहले तो यह है कि एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। बोली छोटे सीमित से क्षेत्र में बोली जाती है, क्योंकि अगर उस क्षेत्र को छोड़ के हम थोड़ा सा आगे जाके अगर वहाँ का बोलने का देखेंगे तो वहाँ से फर्क होगा। ठीक है, तो बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। फिर है बोली में उपबोलियाँ होती है। बोली में उपबोलियाँ होती है, जैसे अवधि में वैसवाड़ी बोली है। जैसे भाषा में बोलियाँ होती है, बोलियों में उपबोलियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। फिर बोली का कोई मानक रूप नहीं होता। जैसे भाषा का मानक रूप होता है, मानक मीन्स परिनिष्ठित, सुधरा हुआ, संशोधित रूप या व्याकरणिक रूप कह सकते हैं हम। भाषा का मानक रूप होता है परंतु बोली का कोई मानक रूप नहीं होता। बोली आम बोलचाल की भाषा में बोली जाती है। बोली आम बोलचाल में जैसे बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। बोली का प्रयोग साहित्य, शिक्षा, विज्ञान या शासन प्रशासन में नहीं होता। बोली का प्रयोग मीन्स साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, इन चीज़ों में नहीं होता, और बोली आम बोलचाल में बोली जाती है। नेक्स्ट आ गया। फिर एक भाषा की कई बोलियाँ होती है। ठीक है, इसमें एक भाषा की कई बोलियाँ होती है। जैसे हिंदी है, हिंदी से संबंधित कई बोलियाँ हैं, परंतु एक भाषा बोलने वाला दूसरी भाषा, एक बोली बोलने वाला व्यक्ति दूसरी बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली को समझता है
क्यों? क्योंकि वह जो दोनों बोलियाँ हैं वो एक भाषा से संबंधित होगी, जैसे हिंदी से संबंधित बोलियाँ हैं, तो एक बोली से बोलने वाला व्यक्ति उस दूसरे सामने वाली बोली को भी समझता है, क्योंकि वह एक ही भाषा से संबंधित है दोनों बोली, जो कि हिंदी से। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया फिर बोली का प्रयोग अशिक्षित या ग्रामीण जो लोग हैं वो करते हैं, जबकि शिक्षित और जो शहरी लोग हैं वो ज़्यादातर भाषा का प्रयोग करते हैं, बोली का प्रयोग कम कर वो ज़्यादातर भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि शहरी इलाके में ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, बोली का कम प्रयोग करते हैं, ग्रामीण या अशिक्षित जो लोग होते हैं वो ज़्यादा बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर बोली का प्रयोग अपने आसपास के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि बोली का जो प्रयोग है हम अपने आसपास के दायरे या क्षेत्र में करते हैं, जब हमने किसी दूसरे क्षेत्र में बात करनी है तो उसके लिए हम अपनी बोली का प्रयोग न करके संपर्क भाषा का प्रयोग करेंगे। मीन्स हम जो बात कर रहे हैं सामने वाले से, मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो उसको भी आती हो और हमें भी आती हो, तो उसको क्या कहते हैं, संपर्क भाषा। तो बोली जो आसपास के क्षेत्र में ही बोली जाती है, परंतु दूसरे क्षेत्र में अगर हम बात कर रहे हैं ये थोड़ा डिस्टेंस में, दूरी में, तो हम क्या संपर्क भाषा का से उससे बात करेंगे, ऐसी भाषा जो हम दोनों उस भाषा को समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर बोली बोलने वालों की संख्या कम होती है जबकि भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक होती है। अधिक मीन्स बहुत, मतलब ज़्यादा जनसंख्या में होती है। तो बोली तो क्या है, एक छोटे एरिया में क्षेत्र में बोली जाती है, और नेक्स्ट थोड़ा दूरी पर जाएं तो बोली और होगी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में कुछ वर्ड चेंज हो जाते हैं, शब्द चेंज हो जाते हैं, परंतु जो भाषा होती है वो एक मानक भाषा होती है और वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर बोली से भाषा बनती है। बोली से ही, बोली जब विस्तृत, धीरे धीरे विस्तृत क्षेत्र में, एक क्षेत्र में बोली जाती है, धीरे धीरे उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है, मान लो बोली का बढ़ता जाता है, बहुत सारे लोग उस बोली का प्रयोग करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे फिर उसका जो मानक रूप हो जाता है तो वही भाषा बन जाती है। तो बोली से भाषा बनती है, बट भाषा से बोली नहीं बनती, जो भाषा होती है उससे बोली नहीं बनती। ठीक है, तो यह तो आज हमने बोली के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर मानक भाषा। मानक भाषा होती है जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो जो भारत के अनेक, मैंने भारत में अनेक बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मीन्स उनका प्रयोग होता है, तो उसमें एकरूपता लाने के लिए उसका मानकीकरण किया जाता है। मानकीकरण किया जाता है मीन्स एक रूप दे दिया जाता है, व्याकरणिक शुद्ध परिनिष्ठित रूप जिसको कहते हैं, संशोधित रूप भी कह सकते हैं, तो उसको जो एक बोली को एक बोली होगी उसका जो संशोधित व्याकरणिक परिनिष्ठित रूप जो हो जाता है उसका मानकीकरण किया जाता है, तो वह मानक भाषा हो जाती है और फिर सभी उसका प्रयोग करते हैं। और मानक भाषा जो होती है, जैसे शिक्षा में, साहित्य में, विज्ञान में, शासन प्रशासन में मानक भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, और पढ़े लिखे लोग, शहरी लोग, वो मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। अशिक्षित और ग्रामीण जो इलाके के लोग होते हैं वह बोली का प्रयोग करते हैं, वह मानक भाषा का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो फिर इसके बाद आ गया, ये तो हो गया बोली, उसके बाद हो गया मानक भाषा। तो मानक भाषा हमारे साहित्य, शिक्षा और विज्ञान वगैरह में, सब में मानक भाषा का ही प्रयोग होता है। जैसे भारत में हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी भाषा में ही सारा जो लिटरेचर है, साहित्य है, शिक्षा है, शासन प्रशासन में तो हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, जो कि
खड़ी बोली से, खड़ी बोली हमारी मानक बोली है, खड़ी बोली से ही हिंदी आई है, खड़ी बोली से ही हमारे भारत देश में बहुत बोलियाँ और उप बोलियाँ थी जिसमें से खड़ी बोली को लिया गया और उसी काफ़ी मानकीकरण किया गया, तो खड़ी बोली मानक भाषा और उसी से हिंदी का रूप बना है जो हम आज साहित्य में प्रयोग कर रहे हैं या मानक रूप दे दिया गया है। ठीक है, तो वो होगी मानक भाषा। अब नेक्स्ट करेंगे हम राजभाषा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है राजभाषा। वैसे इससे पहले मैं एक वीडियो दे चुकी हूँ राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में, उसमें मैंने राजभाषा के बारे में डिटेल बताया हुआ है। ठीक है, तो राजभाषा क्या होता है? राजभाषा होती है जो सरकार संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा और संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा होगी वह राजभाषा होती है। तो हमारे भारत देश की जो राजभाषा है वह हिंदी है। जो शासन प्रशासन का जो राजकाज के कार्य हैं उसमें हिंदी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, तो हमारी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 17 की धारा 343 या अनुच्छेद भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया था। भारतीय संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 में संघ की जो राजभाषा है हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया था, और इसके साथ साथ 344 अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया और समिति, राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन किया गया जिसमें बीजी खेर की अध्यक्षता में यह राजभाषा आयोग और समिति का गठन किया गया, बीजी खेर की अध्यक्षता में, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, तो यह थी राजभाषा के बारे में हमने पढ़ा, तो इससे ज़्यादा डिटेल आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, और राजभाषा के बारे में जानना ज़रूरी भी है क्योंकि इससे मैं रिलेटेड, मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, एग्ज़ाम में आती है उसमें से, तो राजभाषा का आप डिटेल पिछली वीडियो में पढ़ लेना। नेक्स्ट आ गया फिर राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं कि एक राष्ट्र की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जिस भाषा का प्रयोग करता है उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र के बहुत, मतलब विस्तृत जनसंख्या, राष्ट्र की विस्तृत जनसंख्या ये एक बहुत बड़ा भाग जिस भाषा का प्रयोग करता है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे राजभाषा है वो संविधान द्वारा स्वीकृत है, परंतु राष्ट्रभाषा भाषा में ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रभाषा उसी को कहते हैं जो एक राष्ट्र का बहुत बड़ा भाग उस भाषा का प्रयोग करता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और जिस तरह राष्ट्र के संप्रभुता और संविधान स्वाभिमान का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसी तरह राष्ट्र की संस्कृति और भाषा की आत्मगौरव और भाषा भी आत्मगौरव का प्रतीक है। जिस तरह से राष्ट्र की संप्रभुता और स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज है, उसी तरह राष्ट्र की संस्कृति और भाषा भी आत्मगौरव का प्रतीक है। तो ये थी राष्ट्रभाषा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर संपर्क भाषा। अब संपर्क भाषा किसे कहते हैं? संपर्क भाषा उसे कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति की भाषा या बोली कुछ भी है
और दूसरे जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी भी बोली या भाषा कुछ भी है, परंतु जब दोनों ने आपस में बात करनी है तो एक ऐसी भाषा की ज़रूरत पड़ेगी जो कि दोनों को समझ आनी चाहिए। एक हिंदी भाषी है और एक दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश भाषी ले लो, इंग्लिश भाषी ले जो ले लो या अदर कोई भी लैंग्वेज ले लो, दोनों अलग अलग भाषी व्यक्ति है। जब वो आपस में बात करेंगे तो उनको बात करने के लिए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत पड़ेगी जो कि दोनों को समझ आ सके, तो उसी को संपर्क भाषा कहते हैं। ठीक है, दो भिन्न भाषी जिस भाषा में बात करते हैं उसी को, दो भिन्न भाषी जब एक कोई भी एक भाषा का प्रयोग करके दोनों बात करते हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं, उसको संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे भारत की संपर्क भाषा अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी संपर्क भाषा भारत में मानी जाती है और अंग्रेज़ी द्वारा ही हम दूसरे कंट्रीज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम बात करते हैं। हमारी जो संपर्क भाषा है अंग्रेज़ी है, परंतु हमने हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी को भी हम हिंदी को बढ़ावा दें और संपर्क भाषा के रूप में हम हिंदी का ही प्रयोग करें। ठीक है, तो यह थे हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के बारे में हमने पढ़ा। तो वेरी सिंपल टॉपिक है, परंतु इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आपको बस सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ समझना है कि राष्ट्रभाषा होती क्या है, संपर्क भाषा होती क्या है। ठीक है, और ज़्यादा क्या है इसमें ये चीज़ पढ़नी है, समझना है। और इसके साथ साथ जो राजभाषा का टॉपिक हमने पिछली वीडियो में डिटेल दिया है, उसमें मैंने काफ़ी अनुच्छेदों के बारे में डिटेल अलग अलग बताया है कि इस अनुच्छेद में ये है, इसमें काफ़ी डिटेल बताया, तो उसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। इस टॉपिक के साथ जो हमने हिंदी भाषा के विविध रूप का आज जो हमने टॉपिक किया है, इसके साथ साथ राजभाषा का डिटेल भी आपने पिछली वीडियो को साथ लेके मींस उसको भी देखना है, तभी आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा सा समझ के करना तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके साथ साथ आप लगे रहो, मेहनत करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना बताओ अपनी प्रॉब्लम। ठीक, थैंक यू।